नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ग्रुप स्टडी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। आज मैं लेकर के आया हूँ झारखंड आईआरबी का कट ऑफ एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, जो कट ऑफ होता है वो बेसिकली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वैकेंसीज कितनी थी, दूसरी बात पेपर कैसा आया था, इजी मीडियम हार्ड, और एक और चीज़ जो आता है फैक्टर में वो होता है नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, तो ये तीनों पर बात करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज थी। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 1426, एससी के लिए 263, एसटी के लिए 722, बीसी1 के लिए 240 और बीसी2 के लिए 149। जैसा कि आपको पता है, परीक्षा तीन दिनों में हुई थी, 3, 10 और 17 दिसंबर को, और ये रांची के अलावा और भी कई सेंटर पे हुई थी। तो ओवरऑल जो परसेंटेज देखा गया है परीक्षार्थियों के प्रेजेंस का, वो 62% दिखा गया। रांची में कुछ ज़्यादा थी, 65-70%, और बाहर जगह 60-65% नॉर्मलाइजेशन का। जी हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तकनीक है जिससे कि सारे पालियों में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसको एक लाइन में, एक पैरेलल लाइन में लाने की कोशिश की जाती है, ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब सिंपल और आसान भाषा में समझें तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक्यूरेसी। जी हाँ, आपने कितने क्वेश्चन एक्यूरेट बनाए हैं। जैसा कि कैट वगैरह में होता है परसेंटाइल निकाला जाता है, उसी तरह इसमें भी दिखाया जाता है। तो आपको मेन डिपेंडेंस हो जाता है, वो जाता है आपकी एक्यूरेसी, आपने कितने क्वेश्चन एक्यूरेटली सही किए हैं। इसमें तुक्का जो भी मारे होंगे उनके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा है और उनको क्षति पहुँच सकती है। मैं आपको बता दूँ, ये कट ऑफ एनालिसिस करने के पहले मैंने कई अभ्यर्थियों से बात की है, ऑन कैमरा और ऑफ द कैमरा बात की है। मैंने कई एक्सपर्ट से भी बात किए हैं जो कि यहाँ पे कोचिंग वगैरह चलाते हैं। सबसे मिलने के बाद और बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जो कि आपको आगे बताऊंगा। था हिंदी इंग्लिश तो बहुत अच्छा था पेपर। अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ था और थोड़ा बहुत इंग्लिश का 10 था, ठीक है, मतलब बाकी जितना भी था पेपर बहुत इजी था। अच्छा, और सब बढ़िया है, पेपर अच्छा गया है। अच्छा, कौन सा पेपर आपको लगा कि टफ है, कौन सा ऐसा सेक्शन था जो टफ था? टफ में थोड़ा बहुत इंग्लिश था, नहीं तो मतलब वो जैसे हम लोग यहाँ के देहात के लोग ज़्यादा इंग्लिश पढ़े नहीं होते, इसलिए टफ इंग्लिश लगा नहीं, तो बाकी सब तो अच्छा ही था। अच्छा, झारखंड से कितना क्वेश्चन थे और कैसा क्वेश्चन था? लगभग झारखंड से क्वेश्चन 20-25 था, लेकिन टफ लेवल का क्वेश्चन था। झारखंड से जो लोग भी दूसरे देश से आए होंगे तो उतना नहीं बता पाएंगे, और यहाँ के लोग जो भी हैं अच्छे से कर लिए होंगे। अच्छा, झारखंड के जो लोग होंगे उनको अच्छे से पता होगा, जो बाहर से आए होंगे उनको पता नहीं होगा। दोस्तों, अभी आपने कुछ अभ्यर्थी से जो हमारी बातचीत थी वो आपने देखा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जनरल का कट ऑफ जो है वो एस्टिमेटेड है 60-65%, और जो क्वेश्चन सही होने चाहिए वो 144-150%। जी हाँ, ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो उसके अनुसार मार्क्स जो होने चाहिए वो 432-450 होने चाहिए, और एक अगर आप एक लाइन खींचना चाहें ओवरऑल तो 440 कट ऑफ एक्सपेक्ट किया गया है। अब देखते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 55-60% देखा गया है। जो क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए वो 132-144 क्वेश्चन, और जो मार्क्स होने चाहिए उसके अनुसार वो 396-432। और ओवरऑल अगर एक कट ऑफ देखा जाए तो बीसी1 का 400 होना चाहिए और बीसी2 का 420। चलिए अब बात करते हैं एससी के कट ऑफ का। तो एससी का कट ऑफ जो होगा वो 45-50% होना चाहिए। जो क्वेश्चन सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद वो 110-120 होना चाहिए। ओवरऑल मार्क्स की बात किया जाए तो 320-360, और एक ओवरऑल कट ऑफ की बात किया जाए तो वो होना चाहिए आपको 350। अगर एक पॉइंट आप चाहें कि इतना कम से कम होना चाहिए, इतना हो सकता है, तो ओवरऑल 350 होना चाहिए एससी के लिए। चलिए आगे बात करेंगे एसटी का। चलिए अब बात करते हैं एसटी के कट ऑफ का। तो एसटी का कट ऑफ जो होगा वो 40-45% होना चाहिए, और इसका क्वेश्चन जो होना चाहिए वो 96-105 क्वेश्चन सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद। जो मार्क्स होने चाहिए वो 283-315, और ओवरऑल एक अगर आप पॉइंट चाहें तो एसटी का कट ऑफ 295 तक जा सकता है। ये जो कट ऑफ थे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये सब के लिए मैंने एक्सपर्ट और परीक्षार्थियों से भी बात की है। उम्मीद करते हैं ये कट ऑफ यही जाना चाहिए,